पेट्रोल और डीजल की दाम गिरे, उपभोक्ताओं को मिला राहत। पेट्रोल और डीजल के दाम में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल 6 पैसे जबकि कोलकाता में 7 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। वहीं डीजल के भाव दिल्ली और चेन्नई में 5 पैसे जबकि कोलकाता और मुंबई में 6 पैसे प्रति लीटर घट गए हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव घटने के आम उपभोक्ताओं को ज़रूर राहत मिलेगी, क्योंकि एक दिन पहले तेल व गैस विपणन कंपनियों के रसोई गैस सिलेंडर, विमान तेल और केरोसिन के बाद बढ़ाया गया उन्हें झटका दिया था बुधवार को। हालांकि पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया। इंडियन ऑयल को वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम घटकर क्रमशः 73.07 रुपये, 75 रुपये, 78.64 रुपये और 75.84 रुपये प्रति लीटर हो गए। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी घटकर कम हो गए। 66.66 रुपये, 68.39 रुपये, 68.77 रुपये और 70.39 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर अब 6 रुपये महंगा हो गया है। वही सब्सिडी वाले सिलेंडर के बाद में भी थोड़ी वृद्धि की गई है। सब्सिडी वाले सिलेंडर के बाद दिल्ली और चेन्नई में 28 पैसे जबकि कोलकाता मुंबई में 29 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। नए दर 1 मई में वहीं से लागू होंगे।